दोपहर 1 बजे के करीब अचानक योगी आदित्यनाथ के दिल्ली रवाना होने की खबर आई। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जारी सियासी हलचल के बीच इस खबर ने दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी। लगभग 3 बजे योगी हेलीकॉप्टर से गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंच चुके थे और फिर वहां से सड़क मार्ग के जरिए गृह मंत्री अमित शाह के घर की तरफ रवाना हुए। योगी के काफिले के साथ साथ कयासों का रेला भी बढ़ता गया। सियासी गलियारों में तरह तरह की खबरें तैरने लगी। सवाल ये उठने लगे कि योगी आदित्यनाथ को अचानक दिल्ली क्यों बुलाया गया, क्योंकि ये पहले से तय दौरा नहीं था। अब हम आपको इस दौरे की इनसाइड स्टोरी बताते हैं। कुछ दिन पहले लखनऊ के दौरे से लौटे बीजेपी महासचिव बीएल संतोष ने सरकार और पार्टी को लेकर एक रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को सौंपी थी। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी के दिल्ली आने या ये कहें कि बुलाए जाने की कुछ बड़ी वजह में से एक यह रिपोर्ट भी थी। सूत्रों के अनुसार इस रिपोर्ट में कुछ खास बातों का जिक्र किया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है यूपी में मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के बीच संवाद की कमी। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सूबे के कई विधायक नाराज हैं। यही नहीं, रिपोर्ट में पार्टी कार्यकर्ताओं को दबाव में भी बताया गया है। केंद्रीय नेतृत्व इस बात से भी नाराज है कि 1 साल पहले केंद्र की तरफ से यूपी के लिए जो बड़ा फैसला लिया गया था, आरोप है कि उसे योगी ने नजरअंदाज कर दिया था। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने 3 दिनों तक लखनऊ में डेरा डालकर मंत्रियों और पार्टी के अहम पदाधिकारियों से अलग अलग बात की और योगी सरकार के कामकाज का फीडबैक लिया। कहा जा रहा है कि इन्हीं मुद्दों पर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने योगी से चर्चा की, जबकि कल पार्टी प्रमुख और प्रधानमंत्री मोदी भी योगी से बात कर सकते हैं। इसके अलावा कोरोना काल में जो मिसमैनेजमेंट के आरोप लगे, उस पर भी योगी से चर्चा हो सकती है। साथ ही पंचायत चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन का मुद्दा भी अहम रहेगा। लेकिन इस दौरे से फिलहाल यूपी में किसी बड़े बदलाव को जोड़कर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व को भी इस बात का एहसास है कि यूपी में चुनाव करीब हैं और ऐन चुनाव से पहले यूपी में कोई बड़ा बदलाव पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है।